हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार कुंपेला माधवी लता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह रामनवमी जुलूस के दौरान एक मस्जिद पर काल्पनिक तीर चलाते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में माधवी लता अपनी हाथों को ऐसे फैला रही है जैसे लग रहा है कि वह एक तीर खींच रही हो। वीडियो में दिख रहा है कि माधवी एक मस्जिद को तीर से निशाना लगा रही है। वीडियो पर विवाद के बाद माधवी लता ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा और दावा किया कि यह वीडियो अधूरा है और इसको एडिट किया गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बवाल मचना तय था। इसके बाद ओवैसी ने भाजपा और आरएसएस पर हमला कर दिया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोगों ने भड़काऊ हरकतें की हैं। मैं हैदराबाद के युवाओं से अपील करता हूं कि आप देखें कि बीजेपी और आरएसएस क्या कर रहे हैं। आप हैदराबाद की शांति के लिए अपने वोट का उपयोग करें। भाजपा और आरएसएस इस शहर की शांति को खराब करना चाहती है। हालांकि माहौल बिगड़ता देख माधवी लता ने भी बयान जारी कर अपना स्पष्टीकरण दे दिया।